हमारा गांव सायने बुद्रुक पहले ग्रामीण क्षेत्र कहलाता था, लेकिन अब मालेगांव महानगर की हद में जाने के कारण अब ये शहरी हो गया है। शहरीकरण के कारण विकास होता है ऐसा माना जाता है, लेकिन हमारे ऊपर और समस्याएं आ पड़ी है। गांव शहर में जाने के कारण हर चीज़ के ले जाने आने का जकात लगता है। गांव में आने वाला रास्ता सारी सुविधाएं ला रहा है, हमारी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, लेकिन हमारे रोजगार, हमारे व्यवसाय और हमारी खेती के माल के दाम और मांगे घट गई है। सारी चीज़ें हमें बाहर से लेनी पड़ रही है, मानो हम उपभोक्ता हो गए हैं। उत्पादक बनना हमारे लिए अब सपने जैसा हो गया है। कारण की दुनिया ने माग होते बराबर माग आहे दुनियाने हां त्यांत नळपट्ट्या घरपट्ट्या वाढतात किती वाढतच रे दोन दोन तीन तीन ते अरे वाड्या तू आता पंचायतला आपण 100-200 द्या तरी आपलं पाणीपट्टी वगैरे होईल बराबर, पण हे कंपल्सरी वर्षाने भरणंच भरणं आहे ना, जी बी असते ती 1000-2000 नळपट्टी पंचायत ते काय 43 रुपये महिन्याने जाय, वार्षिक किती 300-400 वार्षिक घरपट्टी पाणीपट्टी दोन्ही मिळत घरपट्टी पाणीपट्टी या दिवाबत्तीला 300-400 रुपये जायत। और मालेगांव का इतिहास देखा जाए तो आज तक मालेगांव की कोई भी तरक्की नहीं हुई। बदबू से भरा पड़ा मालेगांव हमारे गांव के क्षेत्र से मिलने वाला सारा मैसूर अब अपने कब्जे में करके हमारे विकास का अधिकार छीन ले गया है। इससे हमारे गांव की आर्थिक कमजोर जनता और रोजगार से दुर्लक्षित हमारा गाँव अब संकट में आ गया है। मालेगांव महाराष्ट्र से मैं आनंद पगारे, इंडिया अनहर्ड के लिए।